बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड की। एब्सोल्यूट थ्रेश होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये साइकोफिजिक्स की, जो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है साइकोफिजिक्स, जिसमें हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स और उसका जो है वो ब्रेन से रिलेशनशिप और इस तरह करके जो उसका फंक्शन है, इन तमाम चीजों का जो है वो मुतालिया करते हैं, स्टडी करते हैं उनको। तो एक बहुत साइकोफिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है जी? द पॉइंट एट विच अ स्टिमुलस जस्ट पिक्ड, ठीक है जी, वो पॉइंट जिस पर कोई भी स्टिमुलस पिक करती है, पिक किया जाता है बाय द सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस ऑर्गन जिस पॉइंट पर किसी भी स्टिमुलस को पिक करते हैं, उस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। मसलन इसको मैं थोड़ी सी लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाऊं कि कोई किसी भी चीज की वो इंटेंसिटी, वो शिद्दत, जिस शिद्दत पर, जिस इंटेंसिटी पर हम किसी भी चीज को पिक करते हैं, मसलन मैंने अगर किसी चीज को देखना है तो वो चीज मुझसे कितनी दूर या कितने फासले पे आ जाएगी कि वो मुझे नजर आनी शुरू हो जाए, या एक आवाज है जो मैं सुनना चाह रहा हूं और वो मुझे सुन नहीं रही। अब फॉर एग्जाम्पल एक एक बीप बज रही है, वो दूर है, मैं उसको सुनना चाह रहा हूँ, वो मुझे नहीं सुन रही, मैं उसको कहता हूँ थोड़ा सा और करीब आ जाओ, जो बीप बजाने वाला है या जो वो साउंड जो क्रिएट करने वाला बंदा या साउंड बजाने वाला है, मैं थोड़ा सा उसको कहता हूँ और करीब आ जाओ। मतलब जिस तरह आपको पता है कि साउंड्स की जो यूनिट होता है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। तो अब वो बंदा, अगर वो साउंड क्रिएट करने वाला बंदा मेरे इतने करीब आता जाए कि एक खास हर्ट्ज पे आके वो साउंड मुझे सुनाई देना शुरू हो जाए, ठीक है जी, एक खास फासले पर आकर जब वो मुझे एक खास फ्रीक्वेंसी पे आके जब वो मुझे साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि वो खास फासला उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। अब मैं आगे आपको एग्जांपल्स देता हूं इसकी। पहले सबसे पहले आपने डेफिनेशन को दिमाग में रखना है कि डेफिनेशन क्या है। द पॉइंट एट विच अ स्टिमुलस जस्ट पिक्ड, वो पॉइंट जिस पर कोई भी स्टिमुलस जस्ट पिक किया जाता है, परसीव किया जाता है बाय द सेंस ऑर्गन्स। आपके सेंस ऑर्गन्स जो है वो किस ऐसे पॉइंट पर जिस पे आपके सेंस ऑर्गन जब किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि मिनिमम पॉइंट हो और उस पॉइंट पर स्टिमुलस को परसीव कर ले, पिक कर ले, वो पॉइंट जो है वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहता है। सेंस ऑर्गन्स क्या है? आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं, ठीक है, आपके आपका नाक है, आपकी जुबान है, जो जो सेंस करते हैं, जो परसीव करते हैं, फाइव सेंसेस आपको पता है ना। आगे आ जाते हैं जी। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको जो है वो वाजे समझ आ जाएगी। मसलन पहली एग्जाम्पल क्या है? विजन, अ कैंडल फ्लेम। ये थोड़ी सी इसकी जो है वो रेजोल्यूशन कम है, तो खैर बहरहाल गुजारा कर लीजिए। अब विजन का थ्रेशोल्ड क्या है, यानी आंखों का थ्रेशोल्ड क्या है, कोई भी चीज देखने के लिए थ्रेशोल्ड क्या है? अ कैंडल फ्लेम 30 miles अवे, एक कैंडल जो है, एक मोमबत्ती जो है, उसका जो फ्लेम है वो आपको 30 मील दूर से नजर आ सकता है। 30 मील दूर एक पॉइंट है जो इसका थ्रेशोल्ड है, यानी 30 मील से अगर पीछे होगा वो, 30 मील से दूर वो कैंडल चल रही होगी तो वो आपको फ्लेम नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 30 मील पे आ जाएगी तो 30 मील के पॉइंट पे वो उसका थ्रेशोल्ड है, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब 30 मील का मतलब ये है कि जब बिल्कुल सराउंडिंग जो है वो डार्क हो, किसी किस्म का जो रोशनी ना हो सिवाय कैंडल का जो फ्लेम है उसके, हर तरफ अंधेरा हो, कंप्लीट जो है वो साइलेंस हो, हर तरफ अंधेरा हो, डार्कनेस हो, और पूरे डार्क, उस सारी डार्कनेस में 30 मील पर अगर एक मोमबत्ती जलती है तो वो मोमबत्ती भी आप परसीव कर सकते हैं। दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ अ विजन। हेयरिंग का थ्रेशोल्ड क्या है? आवाज टिकलिंग, आवाज टिकलिंग 20 feet अवे, एक जब बिल्कुल साइलेंस हो, बिल्कुल साइलेंस हो, किसी किस्म की कोई आवाज ना हो, तो एक घड़ी की टिक टिक टिक
टिक जो है वो आप 20 फीट दूर से भी जो है वो परसीव कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 20 फीट से ज्यादा होगी तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी उस वो जो घड़ी की टिक टिक की आवाज है वो उस पॉइंट पे नहीं है कि वो आप सुने। जैसे ही 20 फिट के फासले पे आएगी तो 20 फिट का फासला जो है वो उसका मिनिमम फासला है जहां से आप उसको सुन सकते हैं, वो उसका थ्रेशोल्ड है। स्मेल अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम इन अ 6 रूम हाउस। अगर 6 रूम हाउस जो 6 कमरों का घर है उसमें अगर बिल्कुल कोई और खुशबू या बदबू ना हो तो परफ्यूम का एक ड्रॉप जो है वो 6 कमरों के घर में, एक साइड पे आप हो दूसरे साइड पे जो है वो परफ्यूम का कतरा गिराया जाए, या कहीं भी 6 कमरों के घर में परफ्यूम का कतरा गिराया जाए तो आप उसकी स्मेल को जो है वो महसूस कर सकते हैं अपने नाक के। ठीक है। इसी तरह 1 टीस्पून ऑफ शुगर इन अ गैलन ऑफ वाटर। एक वाटर गैलन हो और उसके अंदर 1 टीस्पून आप शुगर का डाल दें तो वो आप मिठास, शुगर की मिठास जो है वो फील कर सकते हैं। अगर 1 गैलन से ज्यादा पानी होगा 1 टीस्पून डालेंगे तो नहीं, या 1 गैलन में अगर 1 टीस्पून से कम डालेंगे तो आप फील नहीं करेंगे। लेकिन 1 टीस्पून इन अ गैलन ऑफ वाटर, 1 गैलन वाटर में जब 1 टीस्पून डालेंगे तो जो वो टीस्पून है वो बेसिकली जायके का थ्रेशोल्ड है। 1 लीटर गैलन जो 1 वाटर का गैलन है उसके लिए। तो यानी कि वो पॉइंट जिस पर आपकी सेंसेस किसी भी स्टिमुलस को पिक कर लें, उस पिक करना शुरू कर दें, वो मिनिमम पॉइंट, वो दूर का पॉइंट, जब वो थोड़े से थोड़ा पॉइंट जहां पर आपकी सेंसेस स्टिमुलस को पिक करना शुरू कर दें तो वो आपका जो है वो थ्रेशहोल्ड है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर चीज की नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।